बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 9 है आपका आज मशीन्स, और इससे पहले वाले लेक्चर में जो है वो चैप्टर 9 थोड़ा सा पढ़ा दिया था, लेवर की टाइप्स वगैरह के पढ़ाई थी, और इसके अलावा जो है वो इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा सा पढ़ाया था। इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक तो खैर अभी दोबारा रिवाइज होगा। चैप्टर नंबर 9 में आपके मशीन्स है, और इस पर बेटा आप लोग, क्योंकि आप इससे पहले वाली क्लास में नहीं थी, तो चैप्टर 9 के अंदर बेटा आप लोग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी किस्म की मशीन्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मशीन से मुराद जो है वो ये वाली मशीन्स नहीं, बल्कि अर्ली मशीन्स, जो किसी भी मशीन की बिल्कुल स्टार्टिंग थी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है, चैप्टर 9 में। तो इसमें आप लोगों के पास जैसे अर्ली मशीन कौन कौन सी, लेवर हो गई, स्क्रू जैक हो गई, ठीक है, पुलीज हो गई, तो वो अर्ली मशीन्स। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लेक्चर 16 है आपका। स्टार्ट हम इंक्लाइंड प्लेन से करेंगे, और इंक्लाइंड क्योंकि आपको लिवर की सारी टाइप्स पढ़ा दी थी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो बेसिकली आपके पास इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। इट इज अ सिंपल प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। इट इज यूज्ड टू हेल्प अस इन रेजिंग हैवी लोड्स। देखिए बेटा, ये बेसिकली कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली एक सिंपल प्लेन सरफेस है। यहां पर इट इज अ सिंपल प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। इट इज यूज टू हेल्प अस इन रेजिंग हैवी लोड। यहां पर ये एक प्लेन सरफेस होती है, और एक सम एंगल बन रहा होता है, यानी इस तरह के एक टिल्ट सरफेस बनी हुई होती है, और ये हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, सही, या तो लिफ्ट करने के लिए या किसी हैवी लोड को नीचे लाने के लिए इंक्लाइंड प्लेन इस्तेमाल होता है। कुछ इस किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका, सही है। और यहां पर लोड आपको, जो आप इसकी जो स्लोप वाली सरफेस है वहां पर लोड को रखा जाता है, और फिर उस सरफेस के जरिए लोड को लिफ्ट किया जाता है या नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी स्लाइड्स हो गई, ये इंक्लाइंड प्लेन में आती हैं। स्टेयर्स हो गई, सीढ़ियाँ हो गई, ये इंक्लाइंड प्लेन में आती हैं। अब देखिए, सीढ़ियों की मदद से क्या होता है, हमारे लिए चढ़ना आसान हो जाता है। सीढ़ियाँ भी इंक्लाइंड प्लेन का टाइप की टाइप हैं। सीढ़ियों की मदद से क्या होता है, चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब खुद सोचें कि अगर जो है वो सीढ़ियाँ नहीं होती और हमें जो है वो 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, इवन पहले फ्लोर पर भी चढ़ना होता, तो क्या होता, रस्सियाँ बांध के चढ़ना पड़ता है, जैसे पहाड़ों पर हाइकिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता, चढ़ना और उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, आपके काम को आसान कर रहा है। तो स्टेयर्स हैं, ये आपकी इंक्लाइंड प्लेन में आती हैं। फ्लाईओवर, अब फ्लाईओवर का काम भी यही होता है, गाड़ियां चढ़ती हैं, सही है, उतरती हैं, तो वो भी इंक्लाइंड प्लेन में आता है। तो यहां पर आप लोगों के पास मैकेनिकल एडवांटेज, अब आप लोगों के पास क्या होता है कि हर एक क्या मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होता है, और उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, और ये सब में होगी, ये पुली में भी होगी, ये आप लोगों की जो है वो स्क्रू जैक में भी होगी, ठीक है, ये व्हील एंड एक्सेल में भी होगी, इसी तरह जो है ये इंक्लाइंड प्लेन में भी होती है, कि इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलता है। तो बेटा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, सही है। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए तरीका क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट कर रहा है। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइंड प्लेन पर है, इसके ऊपर 3 किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली क्या है आपकी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, सही। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस,
इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन क्या चल रहा है, सही है, जो कि एन ये ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, जो कि वेट ऑफ द डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगी। और तीसरा एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, के इंक्लाइंड प्लेन पर एग्जैक्टली जो एफर्ट अप्लाई हो रही है लोड को ऊपर उठाने के लिए या फिर लोड को नीचे गिराने के लिए, आमतौर पर उठो ऊपर उठाने के लिए, इस पर डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो एग्जैक्टली एफर्ट अप्लाई हो रही है उसको ऊपर उठाने के लिए पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलली, तो वो क्या है, वो उसकी एफर्ट हो गई। तो तीन चीजें, पहला आपका लोड, और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और साथ में क्या है आपकी एफर्ट। तो फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट बराबर होती है इनपुट के, ठीक है, अगर आप इसका मैकेनिकल एडवांटेज की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी कि सबसे पहले किसी को भी कभी मैकेनिकल एडवांटेज पता करने के लिए हम आउटपुट और इनपुट के बराबर रखते हैं, क्योंकि हम आइडियल मशीन की बात करते हैं। देखिए बेटा, आउटपुट क्या है, सबसे पहले देखिए इनपुट क्या है, इनपुट वो एफर्ट यानी वो फोर्स जो आप किसी मशीन पर लगा रहे हैं, और आउटपुट क्या है कि आपके फोर्स लगाने की वजह से मशीन आपको जितना रिजल्ट दे रही है वो क्या है, उसका आउटपुट है, सही है। अगर आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं मशीन आपको एग्जैक्टली उतना ही रिजल्ट दे रही है, तो इसका मतलब है कि मशीन परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी मशीन आइडियल मशीन कहलाती है, सही है। आइडियल मशीन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी मशीन जिसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, जितनी भी आप उसको इनपुट दें वो एग्जैक्टली आपको उतना ही आउटपुट दे, और प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं होता, सही है। आमतौर पर जितनी एफर्ट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट आना पॉसिबल नहीं होता, या तो कम आता है, ठीक है, आमतौर पर थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन होती है। तो इसलिए हम उसको आइडियल मशीन कहते हैं कि ये आइडियल कंडीशन है, सही है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्योंकि हमें जो है वो रियल मशीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसको आइडियल पे रख के सॉल्व करते हैं। तो फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट बराबर होना चाहिए इनपुट के। अब आउटपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है, कि कितना वेट है और उसके हिसाब से वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, और इनपुट पी मल्टीप्लाई बाय एल यानी कितनी एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और कितनी लेंथ के हिसाब से। अब इसके बाद अगर आप पी को उधर भेजते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एच अपॉन पी, और यहाँ पर हाइट है, हाइट यहाँ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, उसको ऑपोजिट साइड पर भेज दें तो क्या हो जाएगी डिवाइड। तो वेट अपॉन एफर्ट बराबर हो जाएगी एल अपॉन एच के, ठीक है। इफ वी कंसिडर एन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए अगर हम यहां पर एक ट्राइंगल कंसिडर करें ए बी सी, ये आपका ए, ये बी और ये सी, तो बेटा ट्राइंगल के अंदर जो है वो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से, या पहले इसको देख लें। हाँ, इफ वी कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे W अपॉन P जो है वो खुद बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के, तो सिंपली जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन H के, सही है, L अपॉन H के मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आपका वेट अपॉन एफर्ट जो है वो किसके बराबर है, मैकेनिकल एडवांटेज के। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो गया L अपॉन H के। अब हमें इस फॉर्मूले को मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि एफर्ट अपॉन हाइट किसके बराबर है आपका, साइन थीटा के बराबर, सही है। तो इफ वी कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी ऑन बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो एफर्ट अपॉन हाइट जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है जिसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये एंगल्स हो, ये जो होते हैं, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अभी आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का उसमें फार्मूला होता है कि वो बराबर होता है परपेंडिक्यूलर अपॉन हाइट के। अब ट्राइंगल की ये वाली साइड होती है आपकी परपेंडिक्यूलर, और ये वाली साइड होती है आपकी हाइपोटनियस, सही है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस के, एच यहाँ पर हाइपोटनियस है, तो ये वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर और ये साइड होती है आपकी हाइपोटनियस, ठीक है, जो कि टिल्ट साइड होती है, जो कि सबसे बड़ी लेंथ होती है किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो यहाँ पर आप लोगों के पास साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एच अपॉन एल के, क्योंकि देखें बेटा जो परपेंडिकुलर है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हाइपोटनियस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। ये पूरा एल हाइपोटनियस पर आ रहा है ना, डॉटेड से जो है वो रिप्रेजेंट भी हो रहा है, तो इस वजह से आपके पास ये क्या हो जाएगी, एफर्ट अपॉन हाइट बराबर हो जाएगा एच अपॉन एल के। और इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें एल अपॉन एच के लिए, तो एल को उधर भेज दें और एल यहाँ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच यहाँ ऊपर की तरफ था वो नीचे उसमें डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन एच, और साइन थीटा यहाँ न्यूमिनेटर में है, ऑपोजिट साइड पर किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा एल अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो एल अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और फाइनली क्या करना है कि इस एल अपॉन एच की जगह पर मैकेनिकल एडवांटेज में क्या रख देंगे आप, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एल अपॉन एच, इस एल अपॉन एच की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो किसी भी मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और साथ साथ ही उसकी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ और हाइट का जो रेशियो होता है वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज को डिस्क्राइब करता है इंक्लाइंड प्लेन की। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा बेटा। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास पुली, अब पुली इज अ ग्रूव व्हील सपोर्टेड इन अ फ्रेम विच इज कॉल्ड एज ब्लॉक। अब बेटा बेसिकली पुली क्या है, पुली बेसिकली एक ग्रूव व्हील होता है, एक व्हील होता है जिसको हम किसी फ्रेम के साथ सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि उसका ब्लॉक कहलाता है। इसी पुली के साथ जो है वो एक रोप बंधी हुई होती है और उस रोप की मदद से जो है वो व्हील रोटेट हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, और वो रोप भी जो है वो मूव करती है बिकॉज ऑफ दिस व्हील, यानी व्हील और रोप का आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। रोप को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो व्हील भी रोटेट करेगा और व्हील जो है वो रोप को प्रॉपर तरीके से मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दो तरह की आपके पास पुलीज होती हैं, पहली होती है आपके पास फिक्स पुली और दूसरी होती है आपके पास मूवेबल पुली। अब फिक्स पुली क्या है, इफ द ब्लॉक ऑफ पुली इज फिक्स्ड टू अ स्ट्रॉन्ग बीम और सीलिंग द पुली डज नॉट मूव अप एंड डाउन इज कॉल्ड फिक्स पुली। फिक्स पुली में क्या होता है कि बेटा ब्लॉक जो है पुली का वो फिक्स्ड होता है और वो जो है वो अप या डाउन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं फिक्स पुली। और अगर आपका ब्लॉक रोटेट कर रहा हो, सही है, अप डाउन मूव कर रहा हो, सही है, रोप के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं मूवेबल पुली। यानी इन शॉर्ट ये कह लें आप कि फिक्स पुली के अंदर जो है वो व्हील बिल्कुल फिक्स्ड होता है और सिर्फ रोप अप और डाउन मूव कर रही होती है, जबकि मूवेबल पुली में जो होता है आपकी व्हील फिक्स नहीं होता, व्हील भी जो है वो रोप के साथ रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास ये आता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स पुली और मूवेबल पुली का। स्ट्रक्चर पुली का कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये व्हील है आपका, यहाँ पर वेट है और यहाँ पर रोप है। अब पुली का काम ये होता है कि अगर हमें कोई हैवी वेट उठाना है, ऊपर की तरफ खींचना है, और हम जो है वो उसको मैनुअली नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है, कि हम उसको मैनुअली नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो इन डैट केस क्या होता है
कि हम यहां से रोप को खींचते हैं, और जब हम रोप को यहां से जैसे जैसे नीचे की तरफ खींचेंगे वैसे वैसे वेट यहां पर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम रोप को नीचे की तरफ खींच रहे होंगे वैसे वैसे वेट क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। सही है। तो ये काम है पुली का कि वो हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ये पूरा व्हील है और व्हील यहाँ पर बिल्कुल फिक्स होगा, यानी व्हील जो है वो मूव नहीं करेगा। इफ द सिस्टम ऑफ पुली इज एन आइडियल सिस्टम द मीन्स द एक्सल इज फ्रिक्शनलेस एंड फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रोप देयर मैकेनिकल एडवांटेज इज फाउंड टू बी। अब वही बात है बेटा कि अगर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि आइडियल सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें उसका मैकेनिकल एडवांटेज हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि व्हील क्या है, टोटल टर्निंग के ऊपर काम कर रही है, रोटेट कर रही है। तो पहला क्या है, टर्निंग इफेक्ट, कि हमारे रोप की रोप को मूव करने की वजह से कितना उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। और दूसरा क्या है, टॉर्क ऑफ वेट। सही है, कि वेट कितना रोटेट हो रहा है, वेट कितना टर्न कर रहा है, यानी टॉर्क ऑफ एफर्ट और टॉर्क ऑफ वेट, यानी अपनी एफर्ट, आप अपनी कितनी एफर्ट लगा रहे हो टॉर्क के हिसाब से, क्योंकि एफर्ट भी आपकी जो है वो रोटेट करते हुए लगेगी, यानी नीचे की तरफ आएगी, और वेट, और वेट भी जो है वो कितना वेट उठ रहा है, और टॉर्क का फैक्टर यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही टर्निंग इफेक्ट रोटेट होंगे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो P मल्टीप्लाई बाय ओ ए हो जाएगा इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय ओ बी। और अगर हम आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ही वेट उठ रहा है, क्योंकि आइडियल मशीन क्या होती है कि जितना भी आप एफर्ट कर रहे हो वो आपको उतना ही वेट देती है। अब यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक आइडियल पुली की, तो आइडियल पुली के अंदर क्या होगा कि जितने आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ही जो है वो वेट राइज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एफर्ट, अब ओ ए और ओ बी क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो आपने एफर्ट पर ओ ए की जगह पर क्या लगा दिया, ओ बी, और वेट पर भी जो है आपने ओ ए की जगह ओ बी की जगह ओ बी ही रहने दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ओ बी से ओ बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, एफर्ट किसके बराबर हो गई, वेट के, जो कि किसी भी आइडियल मशीन में होता है कि एफर्ट और वेट आपस में इक्वल होते हैं। आपके पास एफर्ट इज इक्वल टू वेट हो गई, और क्योंकि जो है आपका वेट किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के। सही है। अगर यहां पर आपको पी यहां पर है, जब पी के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हम मैथ का जो रूल होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर ना हो तो हम वन सपोज करते हैं। तो समझ लें कि वन पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप पी को ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी वेट किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, एफर्ट से, वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट हो जाएगी। ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट हो गई, और यहां पर रिमेनिंग क्या बचा आपका, सिंपल वन। अब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वेट अपॉन एफर्ट, और यहां पर आपका मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो यहां पर W अपॉन P किसके बराबर था, वन के बराबर, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया W अपॉन P इज इक्वल टू वन। सही है, यानी इसका जो आपके पास फिक्स पुली होती है इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वन होता है। अब यहां पर आप लोगों के पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली, देखिए बेटा जिस तरह आपकी फिक्स पुली होती है वैसे ही मूवेबल पुली होती है, बट मूवेबल पुली का यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, बट आपको वर्बली समझा देता हूँ कि मूवेबल पुली के अंदर जो है वो एक तो दो तरह के व्हील्स होते हैं, एक व्हील यहाँ लगा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल एक व्हील ये लगा हुआ है और एक व्हील यहाँ पर होगा नीचे की तरफ। अब जब आप लोग, और उसके बाद फिर इसी तरह रोप लटक रही होगी,
ठीक है, आप रोप को खींचेंगे तो पहले आपका पहला वाला व्हील रोटेट होगा, पहला व्हील रोटेट होने की वजह से दूसरा वाला व्हील रोटेट होगा, और जब दूसरा वाला व्हील रोटेट होगा तो लोड आपका ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो मूवेबल पुली का एक फायदा क्या है कि मूवेबल पुली में काम और ज्यादा आसानी के साथ हो जाता है, ठीक है, और एफर्ट और ज्यादा कम लगानी पड़ती है, और वेट और ज्यादा इजिली जो है वो ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमें मूवेबल पुली को का मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो वो हम किस तरह निकालेंगे, क्योंकि इन सबके मैकेनिकल एडवांटेजेस बेटा एग्जाम में आते हैं निकालने के लिए। तो इन एन आइडियल सिस्टम ऑफ मूवेबल पुली इन ईच सेगमेंट ऑफ द रोप द टेंशन इज इक्वल टू द अप्लाइड एफर्ट, सही है, पी एज द वेट इज सपोर्टेड बाय दिस सेगमेंट ऑफ द रोप इन अपवर्ड एफर्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लेवर, इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रोप, अपवर्ड एफर्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द लेवर। देखिए बेटा बेसिकली होता क्या है कि इसमें एफर्ट बराबर होती है टेंशन के, सही है, और टेंशन जो है वो इक्वल कितनी होती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। यानी कि बेटा जो आपकी एफर्ट है वो यहां पर हो जाएगी 2p रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है। यानी बेटा देखें 2p क्यों आया, पहले वाले में p आया था और यहां पर आया 2p, उसकी वजह क्या है कि यहां पर आपके पास दो व्हील्स का इस्तेमाल हो रहा है, सही है, तो एफर्ट दो जगहों से ट्रांसमिट होगी, इस वजह से एफर्ट क्या हो जाएगी 2p, और वेट है रेडियस ऑफ द व्हील, W क्या है सिंपल रेडियस ऑफ द व्हील, एक व्हील का रेडियस जो वेट को उठाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्योंकि आइडियल मशीन है तो एफर्ट बराबर होनी चाहिए वेट के, तो लिहाजा 2p आपका किसके बराबर हो जाएगा W के। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, अब मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P के बराबर होता है, सही है। तो यहां पर आप लोगों के पास वही चीज है बेटा जो आपने पहले की थी कि मैकेनिकल एडवांटेज हो गया आपका W अपॉन P के, सही है। अब यहां पर क्योंकि 2 लिखा हुआ है, ये बेटा यहां पर P नहीं आएगा, ये जो है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि अब W अपॉन P के बराबर है। अब खुद देखें कि W खुद किसके बराबर है, ऊपर 2P के बराबर है, तो यहां पर W की जगह पर क्या आ जाएगा 2P, ठीक है, यहां पर W की जगह आ जाएगा आपका 2P, P से P को आप कैंसिल करेंगे तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 2। तो इन शॉर्ट आपका जो सिंपल पुली है आपकी जो कि फिक्स पुली कहलाती है, तो फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 होता है, और मूवेबल पुली जो है आपकी उसका मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास 2 होता है, सही है। तो बेटा यहां तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, क्लास इस्माइल आयशा ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा है आप लोगों के पास व्हील एंड एक्सल। देखिए बेटा ये भी हैवी लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है व्हील एंड एक्सल, सही है। और व्हील एंड एक्सल का काम क्या होता है बेटा, इसका सबसे पहले तो मैकेनिज्म समझ लें। ये आमतौर पे गांव वगैरह में इस्तेमाल होता है, कुएं वगैरह के ऊपर लगा हुआ होता है और लोड उठाने के लिए। वैसे तो पुली भी जो है वो कुएं पे इस्तेमाल होती है, सही है, पुली का काम भी यही होता है कि हैवी लोड को ऊपर राइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, और व्हील एंड एक्सल का भी यही काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें बेटा मैकेनिज्म किस तरीके का होता है कि यहाँ पर आपके पास होता है रेडियस, वो एक हैंडल लगा हुआ होता है, और ये आपके दो तरह के सर्कल होते हैं इसमें, एक सर्कल बड़े रेडियस का और एक सर्कल जो है वो छोटे रेडियस का, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है जिसका रेडियस बड़ा है, और ये एक सर्कल है ये वाला, ये देखें ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा जिसका सर्कल क्या है छोटा है, ठीक है। अब जैसे जैसे बेटा आप, और यहाँ पर जो आपके पास जो सर्कल जिसका रेडियस छोटा है
उसमें आपकी रोप लिपटी हुई होती है, सही है, ये पूरी रोप टाई हुई भी है। रोप का एक एंड तो बेटा यहाँ पुली के साथ कनेक्ट है, सॉरी व्हील के साथ कनेक्ट है, और दूसरा एंड जो है वो यहाँ एक वेट लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाल्टी लगी हुई है जिसमें आपको पानी भरना है। अब होता यह है कि जैसे जैसे आप यहां से व्हील को रोटेट करवाते हैं, सही है, व्हील को आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाया, तो क्या होगा, यहां से रस्सी खुलना स्टार्ट हो जाती है और ये बाल्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको व्हील को रोटेट करवाएंगे, सही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाल्टी क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, और एट दी एंड वो आपका जो भी वेल है, कुआं है, उसके बॉटम में जाकर गिर जाएगी और पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा बाल्टी में। फिर अगले केस में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में, कि व्हील को वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, जो रस्सी पहले खुल गई थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता लिपटना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और बाल्टी क्या होगा, वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब की बार क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा। तो व्हील एंड एक्सेल का एडवांटेज क्या है, कि बजाय आप खुद बाल्टी को कुएं में डालकर पानी को खींचते तो आपकी एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगती, सांस भी फूलता, थकन भी होती, ठीक है, क्योंकि आपको मैनुअली खींचने में टाइम लगता है और एफर्ट भी ज्यादा लगती है, जबकि व्हील एंड एक्सेल की मदद से अब आप खींच रहे हैं तो क्या होगा, आपकी एफर्ट भी बहुत कम लग रही है, बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गई है, जस्ट आपको अपने हैंडल को रोटेट करवाना है और इजिली एफर्ट जो है वो अप्लाई होती रहेगी। तो ये फर्क है इसका, ठीक है, व्हील एंड एक्सेल के जरिए काम करने का और सिंपली वर्क करने का। तो इसमें आप लोगों के पास ये लार्ज सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस 2 पाई आर है, ये स्मॉल सर्कल है, यहाँ पर भी 2 पाई आर रेडियस होगा, क्योंकि सर्कल सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो 2 पाई आर से ही रिप्रेजेंट होता है। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे किस तरह, तो बेटा इट इज अ वेरी सिंपल मशीन ऑफन यूज फॉर लिफ्टिंग लोड सच एज पुलिंग अ बास्केट वाटर फ्रॉम वेल, बास्केट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, वही बात बोली है बेटा, कि ये सिंपल मशीन है जो कि हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे बास्केट बास्केट को जो है, या सॉरी बकेट्स को जो है वो उठाना वेल में से, और यहाँ पर ये पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है। अच्छा बेटा, इसका रेडियस जो है वो हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लार्ज सर्कल है तो ये आपका कैपिटल आर, और ये स्मॉल सर्कल है तो ये आपका स्मॉल आर। अब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सेल, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ व्हील एंड एक्सेल सच दैट द रेडियस ऑफ लार्जर व्हील इज आर एंड स्मॉलर व्हील एक्सेल इज आर स्मॉल आर।